आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। तो आप सबने देखा होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ने लगे, यानी कि जो गर्मी अभी तक पूरी तरह से नहीं आई थी अब आ चुकी है। दिल्ली का भी टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंच गया था कल, और अब देखा जाए तो पिछले चार दिनों से लगातार दिल्ली की अगर बात करें तो 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है, जबकि अप्रैल में केवल एक दिन 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया था। और अच्छी बात यह है कि अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। प्री मानसून रेन और थंडर शावर हमने देखा है, कई इलाकों में देखने को मिले हैं। ये जो वेदर सिस्टम बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, और ये ट्रफ बनी हुई है, और एक ट्रफ यहाँ बनी हुई है, एक दक्षिण भारत पर बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से हमने देखा कि रायलसीमा खास करके नांडियाल वगैरह आपने देखा होगा लगातार 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए थे। तो ये जो चित्तूर, अनंतपुर, कडप्पा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हुई है। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई है। तेलंगाना के कई इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, इंटीरियर तमिलनाडु में, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। बिहार में भी और झारखंड, उड़ीसा, ये सारे इलाके भी बारिश देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो ही रही है आपने देखा होगा, और पूर्वोत्तर राज्यों में कम ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन लगातार चल रही है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। तो अब ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार जारी रहेंगी, अब ये मध्य भारत और दक्षिण भारत तक भी आने की संभावना है, और धीरे धीरे 10 और 11 तारीख को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी खंड वर्षा यानी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि ये वेदर एक्टिविटी लगातार नहीं होगी, और ज्यादातर आपको मालूम है कि जो प्री मानसून गतिविधियां होती है यानी कि मानसून से पहले की जो बारिश होती है वो देर दोपहर और शाम को होती है। जब तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तब बादल बनते हैं, गरज वाले बादल बनते हैं, धूल भरी आंधी देते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली वगैरह में, और कुछ इलाकों में ये बारिश गरज चमक के साथ बौछारें देते हैं, बारिश देते हैं, और कहीं कहीं ओले भी गिरते हैं। तो ये इस तरह का सीजन होता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इलाकों में अब फसल कट चुकी है, तो इन जो मौसमी गतिविधियां हैं इनसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, कि जब पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में जब बिजली की गरज चमक के साथ बिजली गिरती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अब पहुंच चुका है ऑलमोस्ट ये पहाड़ों के आसपास है, तो इसके प्रभाव से अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और अगले 2-3 दिनों तक चलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है इन इलाकों में। तो ये इस समय इस तरह का वेदर सिस्टम बनेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाएगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और ये पश्चिमी हरियाणा और पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। वहां से एक ट्रफ आएगी जो दिल्ली के ऊपर से होती हुई, उत्तर प्रदेश से होती हुई ये आएगी मध्य प्रदेश तक, और एक ट्रफ चली जाएगी बिहार से होती हुई उत्तर पूर्वी राज्यों तक। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा इंटीरियर कर्नाटका में, वहां से भी एक ट्रफ नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो सारे इलाके हैं ये बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि अब बारिश के लिए हम तैयार हैं, और कई इलाकों में जो प्री मानसून गतिविधियां जो अप्रैल में नहीं हुई थी वो शुरू हो गई हैं। लेकिन हाँ, गर्मी जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, हालांकि ये जो गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिल चुकी है क्योंकि ये वेदर सिस्टम आपने देखा ये बन चुके हैं। तो अगर हम देखें इस समय बादल हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, है उत्तर प्रदेश की तराई में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में, और दक्षिण भारत में बादल दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। अब देखेंगे राजस्थान में, आप देखिए बाड़मेर वगैरह में 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चले गए हैं, 43 डिग्री के आसपास ये गुजरात में है, और इसी तरह से 42-43 और 44 डिग्री के आसपास राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली तक भी पहुंच गए हैं, और ये मध्य प्रदेश पूरा गर्म हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो टेम्परेचर थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम हो गए हैं, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में मिड 30s में, यानी कि जो मिड 40s में टेम्परेचर थे, 8-9 डिग्री की गिरावट इन इलाकों में आपने देखी होगी। अब ये इस तरह का वेदर रहेगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी 10 तारीख तक कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, 10 तारीख की सुबह या दोपहर तक, उसके बाद 10 तारीख और 11 तारीख को पंजाब के कुछ इलाकों में, अब ये कहना मुश्किल है कि किस जगह होगी, लेकिन हाँ खंड वर्षा होगी, गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ेंगी, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत गिरावट होगी, बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली का भी यही हाल होगा, 10 और 11 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, हल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होने वाली है। अगर हम देखें वेदर सिस्टम तो ये देखिए, ये आज का है, ये एक तरह से
आज जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ पर होगी, यानी कि पूर्वी भारत में है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और ये फिर हो गया छत्तीसगढ़ वगैरह ये दक्षिण भारत में। और ये 9 तारीख को भी इसी तरह की वेदर एक्टिविटी है। तो 10 तारीख में आप देखिए, 10 तारीख में पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी जिले, ये सारे इलाके खंड वर्षा देखेंगे। तो यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और ये जो आप देखेंगे 11 तारीख को भी इसी तरह की वेदर एक्टिविटी है। ये पश्चिमी राजस्थान अभी भी शुष्क रहेगा, तो इस तरह का वेदर हमें लग रहा है कि होगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलें, तो उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, अम्बेडकर नगर, बस्ती, खलीलाबाद, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। तो ये बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की रहेंगी। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो अभी बारिश से बचा रहेगा, मतलब कि गर्मी झेलेगा, वहां पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार और झारखंड में बारिश हो गई है, शुरू हो गई है। अब बिहार में अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश कई इलाकों में आप देख पाएंगे। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बाड़मेर में 45 डिग्री से ऊपर चला गया है, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे इलाके, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अबलौर, जयपुर, अजमेर, ये सारे इलाके 43-44 डिग्री का जो आंकड़ा छू रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, भीषण गर्मी है। तो अब क्या होगा कि 10 और 11 तारीख को ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। बाकी जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। और उसी तरह से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले अभी बारिश देखेंगे। शहदोल, कटनी, दमोह, सागर, सनसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे, काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। और छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, कई दिन से हो रही है, अब लगातार बारिश होगी लेकिन हल्की होगी, पैची रेन होगी, सब जगह नहीं होगी, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन गर्मी और उमस का एक तरह से मिला जुला माहौल यहाँ पर बना रहने वाला है। झारखंड में भी बारिश हो रही है, अभी भी अगले 2-3 दिनों के दौरान खंड वर्षा, पैची रेन यहाँ पर जारी रहेगी। उड़ीसा में काफी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कोस्टल एरियाज में थोड़ी कम हो जाएंगी, अंदरूनी इलाकों में जारी रहेंगी। और कुल मिलाकर के जो टुकड़ों में बारिश होती है, यानी कि देर दोपहर शाम में बारिश हो गई, रात में थोड़ी बारिश हो गई, उसके बाद सुबह के समय मौसम साफ हो गया, फिर दोपहर तक मौसम साफ रहा, गर्मी बढ़ी, उसके बाद फिर बारिश होगी, इस तरह का माहौल रह सकता है। गुजरात में कोई भी वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, गर्म रहेगा मौसम, शुष्क रहेगा और काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज और कल महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, गोंडिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। ये होगी आप कह सकते हैं 8 और 9 तारीख को। 10 तारीख को हो सकता है कि ये बुलदाना, जलना, हिंगोली, परवनी, नांदेड़, बीड़, लाटूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। 13 तारीख को हमें लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां पूरे इलाके में, धूले, नलगांव, नासिक, संभाजी नगर, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ, पुणे वगैरह तक, मुंबई तक भी 13 तारीख को हो सकता है कुछ बौछारें देखने को मिल जाए, यानी पूरे महाराष्ट्र में 13 तारीख को बारिश रहेगी। 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा है कि वो दक्षिण की तरफ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, इन इलाकों में आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। और 15 तारीख से फिर ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका साफ होने लग जाएगा और फिर से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे महाराष्ट्र में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है, और उससे पहले भी गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश हुई है। तो अभी भी हल्की हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल पाएंगी। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई इलाके बारिश देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान है। जो दक्षिणी कर्नाटक है, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर, हसन, हवेरी, मांड्या, मैसूर और चिकबालापुर, बेंगलोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की हल्की बारिश की गतिविधियां आप देख पाएंगे। और तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, आज और कल बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, पैची रेन होगी, उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। तो यह जो वेदर एक्टिविटी थी, अब फिर से यहाँ पर टेम्परेचर 2-3 दिन के बाद थोड़े से बढ़ जाएंगे, इस तरह का यहाँ पर माहौल रहेगा। ये जो रायलसीमा है, कुर्नूल, कड़प्पा, अनंतपुर, नाड्याल, ये सारे जो इलाके, तिरुपति वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी भी जारी है।
कोस्टल एरियाज में लाइट रेन होगी। और तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो इंटीरियर तमिलनाडु में भी अब अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये धर्मपुरी है, तिरुपत्तूर है, आपका कोयम्बटूर है, मदुरई, ये जो इलाके हैं, ये सारे डिंडुगल वगैरह, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहने की संभावना है। अब काफी दिनों के बाद लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि लगभग देश का हर राज्य, गुजरात में चांसेस कम है, बाकी हर राज्य में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।